है हमारा अंतिम और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इसके पार्ट्स हैं, मतलब इसके वेरिएंट्स हैं। तत्पुरुष समास में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने उत्तर का क्या बताया था? बाद वाला पद, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है। अब ये कारक चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है भाई। तत्पुरुष समास जो है पूरा कारक चिन्ह जो है इन पर डिपेंड है, इन्हीं के। अगर आपने कारक चिन्ह सीख लिए तो आप तत्पुरुष समास इजीली आप सीख सकते हो। सबसे पहले कारक चिन्हों की बात करते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं भाई? हमारा कोई भी जो वाक्य होता है उसमें संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, और विशेषण, विशेष से इतनी सारी चीजें जो होती हैं जो वाक्य के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर के वाक्य बना होता है। तो इसमें कर्ता कार जो कारक है उसका कार्य होता है कि वाक्य में जो संज्ञा होगी और जो सर्वनाम होगा उनका संबंध वाक्य के अन्य हिस्से से या फिर अन्य शब्दों से जो कराते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। अब कारक चिन्ह किस प्रकार से, अभी मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मोहन ने कुर्सी बनाई, मोहन क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और ये वाक्य का ही कारण हिस्सा हो गया, ठीक है। और ने क्या हो गया? इसमें कारक हो गया भाई। इन कारकों पर किसी भी लिंग का, वचन का और काल का कभी भी इन पर असर नहीं पड़ता। जैसे हम पहले, ये अव्यय होते हैं एक तरह से, ठीक है, इनका कोई भी अभिकारी शब्द होते हैं, इनका कोई भी मतलब अंतर नहीं आएगा किसी भी चीज का। मोहन ने कुर्सी बनाई, मोहन ने पढ़ाई के लिए कुर्सी बनाई, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या हो गया? मोहन ने भी हो गया और के लिए ये भी हो गया। ये होते हैं कारक चिन्ह। इन पर कभी भी आपको अगर पता करना है कि कारक चिन्ह क्या होते हैं किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में, आप ऐसे सब देख लीजिएगा जो का, ने, को, से के द्वारा, को के लिए, से, का की के, रारी रे, मैं, पर, हे, ये जो है ये कभी भी बदलते नहीं है। आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी काल के सेंटेंस में यानी वाक्य में आप इनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, कारक आठ भेद होते हैं भाई इनके। विभक्ति इनकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करके अष्टमी तक इनकी विभक्ति होती है। पहली जो विभक्ति है उसमें कर्ता आता है और इसकी कारक होता है ने, जैसे कि मैंने आपको बताया मोहन ने कुर्सी बनाई, ठीक है। अब आता है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति में कर्म, तो राम ने रावण को मारा, तो को विभक्ति आ गई। तृतीय में आता है कारक आपका कर्ण, बोलते हैं उसको, से के द्वारा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ओके। चतुर्थ संप्रदान, को के लिए, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं प्रथम द्वितीय तृतीय विभक्ति हो गई, ये कारक हो गए और ये कारक चिन्ह हो गए, ठीक है। अब इनका रोल क्या है तत्पुरुष समास के अंतर्गत? मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास जो है ये प्रथमा विभक्ति में नहीं बनता है, याद रखना इसको, ठीक है, और अष्टमी विभक्ति में नहीं बनता है, ठीक है। इनके क्या होते हैं? तत्पुरुष समास नहीं बनते हैं, और जब ये नहीं बनते हैं तो इनको हम क्या करेंगे? हटा देंगे यहाँ से। कारक चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया है, कारक चिन्ह आपके समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इनकी तरफ, ठीक है। इन दो को आते ही नहीं, एक कौन का नहीं आता है? अष्टमी का, ये भी हटा देंगे, ठीक है। इनको कर दो भाई तत्पुरुष। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष कैसे संभालेंगे, कैसे माने, कैसे बताएंगे? अब मैं आपको एग्जांपल से इसमें से देखकर बता देता हूं। कर्म तत्पुरुष चित चोर, एग्जाम्पल्स देखते चलिए। चित चोर, मनोहर, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, शरणागत, शरण को आने वाला, नरवच्छी, नरों का भक्षण करने वाला, ठीक है। इनमें क्या आ रहा है? को विभक्ति। आप इनका समास विग्रह आपको करना पड़ेगा, जब भी पेपर में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि किस समास का उदाहरण है। चित चोर, चित को चुराने वाला, तो को विभक्ति। और को विभक्ति किसमें आती है? द्वितीय विभक्ति, कर्म को, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में किस प्रकार से आते हैं? करण में कौन सी विभक्ति का लोप हो जाता है? सबसे पहले से और के द्वारा, ये दो है, इसमें दो आपको याद रखनी पड़ेगी, से और के द्वारा। से और के द्वारा किस प्रकार से होता है हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके रेल यात्रा, अब इसका हम समास विग्रह करेंगे, तो रेल से यात्रा, से यात्रा, तो कौन सी विभक्ति? से का लोप हो गया।
तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा तुलसी के द्वारा कृत से विभक्ति का लोप हो गया भाई। अगला है विधि प्रदत्त, प्रदत्त यानी विधि के द्वारा प्रदत्त, शोकाकुल यानी शोक से आकुल, रस भरी रस से भरी, समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा आपका रस से भरी, तो किसका लोप हो गया से, ठीक है। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। और आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि कर्म जो है यहाँ पे कर्म तत्पुरुष जो है स्टार्टिंग तो यहीं से होती है को से, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का है, ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाए किस प्रकार से, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमने पहला देखा जैसे कि ये पूछ रहे हो कि चित्त चोर किस विभक्ति का तत्पुरुष समास है, तो आप क्या करोगे द्वितीय लगाओगे, कैसे, क्योंकि प्रथम पे कौन होता है कर्ता, और कर्ता में क्या होता है ने विभक्ति जिसका बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया द्वितीय विभक्ति का, कौन सी है फिर हमारी संप्रदान, संप्रदान में किसका होता है, संप्रदान में होता है के लिए विभक्ति का हो जाता है आपका लोप, ठीक है। किस प्रकार से एग्जांपल देख लेते हैं, स्नान घर, समास विग्रह करेंगे तो स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सभा भवन, सभा के लिए भवन, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, और महाविद्यालय या विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, और हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यानी आपको करने के जब आप करोगे उसका समास करोगे तो आपको अलग ही पता चल जाएगा कि के लिए उसमें आ रहा है और के लिए आता है संप्रदान में। अगला है अपना पंचमी विभक्ति का अपादान तत्पुरुष, इसमें आता है से, अब कैसे आएगा देख लेते हैं, और से किसके लिए, से आपको अब आपको इसमें भी आ रहा है करण में भी आ रहा है, से होता है तुलसी के द्वारा रचित है ना, और इसमें से आएगा अलग होने के संदर्भ में, किस प्रकार से अलग के संदर्भ में किस प्रकार आएगा, एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से हैं, देश निकाला, देश से निकाला, जल शून्य यानी कि जल से शून्य, समास विग्रह करेंगे तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है। अगला आशातीत, आशा से तीत, अगला हो जाएगा सेवा निवृत्त यानी सेवा से निवृत्त, तो किसका हो रहा है से, किससे अलग होने के संदर्भ में, यानी जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो मतलब अलग होने का संदर्भ। अब आता है अगला षष्ठी विभक्ति जिसका किससे संबंध है, संबंध तत्पुरुष से, और इसमें किसका लोप हो जाता है काकी के, और भी इसमें लिख सकते हैं हम रा री रे, जैसे कि तुम्हारी तुम्हारे हमारी तुम्हारा इस तरह से, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, राजमाता, साफ कर देते हैं ना, राजमाता इसका समास वगैरह करके बताइए, राजा की माता किसका हो गया की विभक्ति का लोप, यानी कि आपका किसका हो गया संबंध, यानी संबंध बता रहा है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो गया। अगला नगर सेठ, नगर का सेठ है ना, रक्तदान, रक्त का दान, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, अगला हो जाएगा अपना कन्यादान, कन्या का दान, और एक हो जाएगा आपका विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र किसका हो गया का की हो गया इसका, ऋषि की कन्या, रक्तदान, रक्त का दान, ठीक है, नगर सेठ, नगर का सेठ, इन विभक्तियों का लोप हो रहा है किससे, संबंध तत्पुरुष में, ठीक है। अगली है हमारी सबसे लास्ट अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष को कैसे करेंगे हम, विभक्ति में है और हमारा कौन सा है अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है इसलिए इसका भी जो उत्तर पद होगा वही प्रधान होगा, और अधिकरण के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं और पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से अन्य हिस्से से कराते हैं, ठीक है। अब कैसे कराते हैं, जैसे कि सिर दर्द, क्या बताया करके दिखाओ समास विग्रह क्या होगा, सिर में दर्द किसका हो गया, मैं विभक्ति का लोप हो गया, मैं विभक्ति का पर विभक्ति किसमें होता है, अधिकरण तत्पुरुष में। अगला आएगा अपना शिलालेख,
यानी कि समास विकरण तो क्या हो जाएगा, शिला पर लेख। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, घुड़सवार। घोड़े पर सवार है ना, पर विभक्ति का लोप हो रहा है, इसमें भी घुड़सवार अपना हो जाए रणवीर। रण में वीर, मैं विभक्ति का हो जाएगा, घोड़े पर शिला पर इन विभक्तियों का इसमें हो रहा है लोप भाई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मुनि श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ, यानी कि मैं विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला कविराज, कवियों में राज। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमारे सारे के सारे जो समास हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, एक बार इन्हें रिकॉल कर लेना, वीडियो देख लेना, और जो मैंने बताया है जिस चीज को और जो लिखाया है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे क्या है, ज्यादा इतना अच्छे से मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने बोला है आप चाहो तो आप उसे पेपर पर नोट करके तत्पुरुष समास और जितने भी हमारे समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपको। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक समास और भी होता है जिसका नाम है नए समास। बता देता हूँ मैं किस प्रकार से, आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे ज्यादा समास में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और है जो कि वह भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, जो होता है नए समास। ठीक है भाई, इसका भी उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। इनमें हमेशा निषेधवाचक का सेंस देते हैं। अब निषेधवाचक का सेंस कैसे देते हैं, इनमें मैं आपको बता दूं, कुछ आपको चीजें याद रखनी है, आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं निषेधवाचक के, नए समास के। इसमें क्या होता है, जैसे आप कुछ शब्द याद रखना, अ, अन, न, ना और गैर आदि, ऐसे शब्द आते हैं, उनका मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस देना होता है, यानी नकारात्मक भाव देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इनके, अधर्म, अ का मतलब होता है धर्म का मतलब धर्म ही है, अ का मतलब नहीं, मतलब धर्म नहीं, तो अधर्मी, धर्म का उल्टा। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल, अनावश्यक। क्या बोला था मैंने, अना भी आता है इसमें, अना का है, अना का ये अनावश्यक। ठीक है, अगला गैर से बन जाएगा आपका, गैर वाजिब। ठीक है भाई, और हो जाएगा ना से, नापसंद। एक बात बताइए, वाजिब का उल्टा गैर वाजिब, आवश्यक का अनावश्यक है ना, धर्म का अधर्म, पसंद का नापसंद, कहीं ना कहीं उल्टा और नेगेटिव सेंस देते हैं। आगे बात समझ में, आपको कहीं भी इस प्रकार से देखें, अनिष्ट इष्ट का अनिष्ट, इस प्रकार से यानी नेगेटिव सेंस देंगे, वो आता है नए समास के अंतर्गत। चलिए भाई, समास पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पेपर लगाने की कोशिश करिए, और जब समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।